इसके बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एनिमल मूवी की तबाही चल रही है भाई। बॉक्स ऑफिस में जैसा थिएटर में फाड़ रही है, वैसे ही बॉक्स ऑफिस में भी फाड़ रही है। जबरदस्त कमाई देखने को मिल रही है। मात्र 9 ही दिनों में बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया है, बीट डाउन कर दिया है भाई। बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लाइक सुल्तान के रिकॉर्ड भी टूट चुका है। उसके बाद टाइगर 3 जो अभी की मूवी है, लियो, जेलर, तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद कल कैसा क्या कलेक्शन रहा है डे 8 पर और पहले 7 दिनों यानी फर्स्ट वीक इसने जो कम्प्लीट किया है, कितना कलेक्शन किया है। आज का रुझान कैसा है सैटरडे मतलब सेकेंड सैटरडे में, डे 9 में कैसी क्या कलेक्शन रही है, एडवांस में कितना सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी को, सभी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। लेकिन क्या करना, वीडियो को लाइक और नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू कर दिया। बस अब टाइगर 3 के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया है, जिसने लाइफ टाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 463 करोड़ का किया था। चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड को धो दिया है भाई, लगभग 450 करोड़ के आसपास, जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिकॉर्ड है। और आज जेलर मूवी के रिकॉर्ड को भी ये खदेड़ देगी, जो 610 करोड़ का कलेक्शन लेके बैठी बड़ी है। और आज लियो मूवी के रिकॉर्ड को भी ये तोड़ देगी, जो 600 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन लेकर बैठी पड़ी है। सुल्तान के रिकॉर्ड को ये मूवी कल संडे पर बीट डाउन कर देगी। तो भाई एनिमल की तबाही देखने को मिली, मतलब रणबीर कपूर की ऐसा ह्यूज कमबैक, वैसे भी चल रहा था बट एवरेजली उनकी मूवी ग्रो कर रही थी, बट ऐसा ह्यूज कमबैक, साथ में बॉबी देओल को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मतलब मूवी फुल वायरल चल रही है। मैं पहली मूवी देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हॉल्ड ऑफ वर्जिन में भी छोटे छोटे क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इसके पार्ट। एक एक मोमेंट, एक एक सीन इसका ब्लॉकबस्टर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा मोटा या क्लाइमैक्स, भाई क्लाइमैक्स भी बहुत दमदार है, लेकिन जो आगे छोटे छोटे सीन्स हैं वो भी किसी क्लाइमैक्स से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मूवी ऑसम है। 3 घंटा 21 मिनट की मूवी है। लगभग 100 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, छोटे से बजट में, लेकिन बाय गॉड ये मूवी 1000 करोड़ टच करने का पोटेंशियल रख रही है और उसी नक्शे कदम पर चल भी रही है। अभी 21 दिसंबर और 22 दिसंबर बहुत दूर है, तो हो सकता है ये मूवी 18, 19 या 20 तारीख तक 1000 करोड़ भी टच कर जाए, या 800 करोड़ तो ये मूवी ठोक के मार ही मार डालेगी। पहले 7 दिन में यानी फर्स्ट वीक कैसा रहा इस मूवी का, भाई तबाही मचाई है फर्स्ट वीक में। हिंदी से ही 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है पहले 7 दिन में ही, और साउथ वेल्स से 37 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन। तेलुगु से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम से उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बट तेलुगु से फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है। नेट इंडिया कलेक्शन ऑल लैंग्वेज को मिलाकर 337 करोड़ 58 लाख, ओवरसीज से 161 करोड़ 60 लाख, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी पहले वीक में ही, फर्स्ट वीक में ही 563 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। भाई साहब 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना, वो भी फर्स्ट वीक में, बिल्कुल मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ इस साल की 2 से 4 मूवी हैं ब्लॉकबस्टर जिसने फर्स्ट वीक में या फिर 6-7 दिन में ही 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी, लाइक जवान हो गई, लाइक पठान हो गई। उसके बाद लियो, आई डोंट नो लियो है कि नहीं, लेकिन जवान पठान ने फास्टेस्ट ग्रॉसिंग करी है। उसके बाद एनिमल जो है अब 3rd नंबर पर आ रही है। भाई बॉलीवुड वालों ने औकात दिखाई है, जबरदस्त रही है। मतलब अभी तक बॉलीवुड की फिल्मों को पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन अब बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए वेट करा जा रहा है, क्योंकि कल ही फाइटर का टीजर रिलीज हुआ है और भी लाइन पर मूवी लगी हुई है जबरदस्त, वो भी ऐसा नहीं कि अभी ही ख़त्म हो जाएंगी। भाई 2024 में जो बॉलीवुड का रोड मैप है वो और भी शानदार है। तो बात करते हैं कल डे 8 यानी कल सेकंड फ्राइडे कैसा रहा है मूवी का। तो कल भी तबाही मचाती नजर आई ये मूवी, वर्किंग डे था, लेकिन हाँ इवनिंग और नाइट में अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि आज सैटरडे में बहुत सी जगह हॉलीडेज भी होते हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 30 से 32% की ऑक्यूपेंसी रही है, सिर्फ हिंदी से 23 करोड़ आता दिख रहा है, साउथ बेल्ट से लगभग 50 से 60 लाख के आसपास दिख रहा है कल का कलेक्शन, एंड टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल रहा है ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा मलयालम को मिलाकर रहा है लगभग 23 करोड़ 50 लाख के आसपास, एंड क्रॉस कलेक्शन बनेगा कल का लगभग 26 से 27 करोड़, ओवरसीज से कल 6 से 7 करोड़ आता दिख रहा है। और पूरी दुनिया से ये मूवी अर्ली एस्टिमेट मतलब मिनिमम स्केल में 34 से 35 करोड़ अपने खाते में लाते दिख रही है। तो कल एंड ऑफ द डे तक पहले 8 दिन में ये कलेक्शन कितना कर लेगी, हिंदी से आता नजर आ रहा है कल एंड ऑफ द डे तक टोटल 323 करोड़ 81 लाख, एंड साउथ बेल्ट से 37 करोड़ लगभग 50 से 60 लाख, एंड नेट इंडिया से 361 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार चुकी है।
भाई ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि ये मूवी क्या 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी, वो भी नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में, क्योंकि गदर 2 ने 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है नेट इंडिया में। देन उसके बाद जवान ने एंड पठान ने भी नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। देन उसके बाद KGF 2 के रिकॉर्ड को ये ब्रेक डाउन कर पाएगी, जो लगभग 450 करोड़ के आसपास है। एंड बाहुबली 2 जो 515 या फिर 505 करोड़ का हिंदी में कलेक्शन कर रखा है, लाइफ टाइम कलेक्शन, क्या इसके रिकॉर्ड को बीट डाउन कर पाई। बात करें आज यानी डे 9 यानी सेकंड सैटरडे में कैसी ग्रोथ चल रही है, भाई आज भी तबाही। आज तो वैसे भी सैटरडे है और आज तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। इवनिंग से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखना, इवनिंग और नाइट में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद एडवांस बुकिंग लगभग ऑल लैंग्वेज को मिलाकर नेट इंडिया से 6.7 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ एडवांस से ले चुकी है ये मूवी, जिसमें सिर्फ हिंदी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लगभग 4.64 करोड़ के आसपास। आज सेकंड सैटरडे है और लगभग जब टाइगर 3 आई थी तो भाई इतना कलेक्शन तो उसका सिर्फ नेट इंडिया से देखने को मिल रहा था, इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा था, और 9 ही दिन में ये मूवी फाट रही है, जबरदस्त तरीके से फाट रही है। टाइगर 3 के रिकॉर्ड को बीट डाउन धो दिया है भाई उसका लाइफ टाइम कलेक्शन को, पहले 6 या 7 दिन में ही धो दिया था वो, आज 9वां दिन है और 9वें दिन में सॉलिड तबाही मचा रही है। तो आज डे 9 पर अर्ली एस्टिमेट नेट इंडिया से कितना हो रहा है भाई, 30 करोड़ के आसपास ये मूवी कलेक्शन करते नजर आ रही है, 30 करोड़ के आसपास, और सिर्फ हिंदी का कंट्रीब्यूशन है आज के लगभग 28 करोड़, एंड रेस्ट ऑफ द 2 करोड़ आते दिख रहा है हमें साउथ बैच से, जिसमें से तेलुगु का पोर्शन सबसे ज़्यादा भारी है, उसके बाद तमिल एंड कन्नड़ा मलयालम से उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बट लैक्स में कलेक्शन आ रही है, 5 लाख 10 लाख ऐसे। तो पूरी दुनिया से आज ये कितना कलेक्शन कर रही है, उससे पहले ओवरसीज से आज भी 9 से 10 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया से आज एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस एंड ओवरसीज को मिलाकर ये मूवी कर रही है 54 से 55 करोड़। भाई आज भी सेकंड सैटरडे में 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार रही है ये मूवी डे 9 पर वो भी। तो लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ 800 करोड़ इजिली ठोंके मार देगी। क्या नेट इंडिया से 500 करोड़ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, नहीं तोड़ पाएगी, आपकी राय, आपकी क्या राय है, और आपने भी मूवी देख ली है तो मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।